में दिमाग में क्लियर कर देंगे। ये तीन स्टेप आपके होते हैं, प्लान, डिजाइन एंड ऑथर स्टेप। ये भी वेबसाइट डिजाइनिंग की एथिक्स होती है, जिसमें हमें प्लान, डिजाइन और ऑथर तीन स्टेप को क्या करना होता है, डिजाइन होते हैं। तो सबसे पहले प्लान स्टेप में आपको क्या करना है, प्लान स्टेप में डैश करके लिखिएगा एस्टैब्लिश साइट पर्पस एंड गोल। प्लान में सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आपको वेबसाइट किस पर्पस के लिए बना रहे हो और किस गोल को पूरा करने के लिए वेबसाइट कर रहे हो, ये अपने दिमाग में क्या कर दे, दिमाग में बैठा दे। क्योंकि जब आपको पर्पस और गोल समझ में आ जाता है ना, आप वेबसाइट सही मायने में बनाने लगते हो। तो वेबसाइट किसके लिए बना रहे और हमारे गोल्स क्या है, पहले पूरा तय कर दो, ये लिस्टिंग आप लोग बना रहे। दूसरा क्या, एनालाइज टारगेट ऑडियंस। प्लान का सेकेंड फैक्टर आपको क्या करना, प्लानिंग के दौरान ध्यान रखिएगा टारगेट ऑडियंस को भी मत भूलिए, कि वेबसाइट जब देखेगा जो वेबसाइट, उस बंदे को वेबसाइट पसंद आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा अल्टीमेट वेबसाइट है किसके लिए, ना ये हमारे लिए है ना कंपनी के बॉस के लिए, ये वेबसाइट है टारगेट कस्टमर के लिए। तो गोल्स प्लान बनाते समय दो चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, साइट का पर्पस दिमाग में एकदम फिट कर लो, साइट का गोल फिट कर लो, और टारगेट ऑडियंस जो है उसको एनालाइज कर लो कि उसको हम कैसी वेबसाइट दिखाना चाहते हैं। नंबर बी आपका स्टेप होता है डिजाइन स्टेप। आप डिजाइन स्टेप में कौन से चार चीज में आप काम कर लो, डिजाइन स्टेप में पहली चीज आपको ये काम करनी वो है कंटेंट। आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले आपका कंटेंट आपके पास ताकतवर होना चाहिए। कंटेंट में तीन चीजें आप लोग हमेशा अपने पास पहले से रख ले। फर्स्ट है इमेजेस, आप अच्छे से अच्छा रखें क्योंकि ये इमेज लोगों को खींचता है। दूसरा वीडियोस, अच्छे से अच्छा वीडियो आप क्या करें रखें क्योंकि वीडियो से भी लोग खींचते हैं। और तीसरा जो पैराग्राफ आप लिखते हो, ये पैराग्राफ आप क्या करें आप बना लीजिए, शॉर्ट्स एंड स्वीट पैराग्राफ, क्या लाइन आपको डिस्प्ले करनी है, कितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए, ठीक है, कितने मीनिंगफुल चीजें हमें बतानी है, ये कंटेंट में पहले डिसाइड होता है। तो आप लोग क्या करें, इमेजेस, वीडियो और कंटेंट क्या करें पहले से चुन के रखें। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। डिजाइन के सेकंड लेवल आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में आप ये डिसाइड करें कि लेआउट हमें कैसे बनाना है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेआउट जो है, इस लेआउट का आइडिया आपको वैसे तो कस्टमर खुद देता है, अगर कस्टमर खुद अगर लेआउट के आइडिया में कमजोर है तो आप पहले से बनी हुई वेबसाइट से भी आइडिया ले सकते हैं। जितने वेबसाइट पहले से बनी हुई उनको आप देखते हो तो लेआउट आइडिया आपको आने लगता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, इमेजेस कहाँ लगने चाहिए, वेन्यूज कैसे होने चाहिए, आपके जो वीडियो से कहाँ लगने चाहिए, पैराग्राफ्स कहाँ कहाँ लगने चाहिए, कितने अच्छा स्ट्रक्चर हम बना सके, इस पर आपको ध्यान रखना। क्योंकि कंटेंट और स्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा आप देखना वेबसाइट उतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। तीसरा है नेविगेशन। तीसरा आपका नेविगेशन, नेविगेशन मतलब आपको ये डिसाइड करना कौन पहले खुलेगा कौन बाद में खुलेगा, कहाँ से कहाँ आपकी वेबसाइट जानी, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप होम पेज या जिसको लैंडिंग पेज कहते हैं, अगर होम पेज से हम बाकी पेजों पे जाना के रास्ते में बना रहे तो बाकी पेज से लौटने का भी रास्ता हमें बनाना पड़ेगा। ये तो बंदा जो है वो कहाँ से लौटेगा ये भी हमें देखना है, कि बंदा अगर होम से करियर में गया तो करियर से होम में कैसे आएगा, ये हमें देखना है, ठीक है। आप लोग जैसे देखते हैं कि ज्यादातर वेबसाइट में आजकल डबल नेविगेशन सिस्टम चलता है। डबल नेविगेशन मतलब ऊपर मेन्यू से भी नेविगेशन होता है और नीचे फुटर में नेविगेशन होता है, नीचे भी गैलरी दिखती है, नीचे भी आपको सकता है, ठीक है, नीचे भी आपको जो है कैरियर दिखता है, तो आप नीचे से भी नेविगेशन कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। डबल नेविगेशन सिस्टम जिससे बंदे को परेशानी ना हो वापस लौटने में, ठीक है। चौथा आपको डिजाइन में ये ध्यान रखना है, यूजर फ्रेंडली डिजाइन। यूजर डिजाइन का चौथा और अंतिम पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है, डिजाइन ऐसा बनाना जो यूजर फ्रेंडली हो, यानी आसान हो। कलर कॉम्बिनेशन आपके ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे आपके होने चाहिए, कितने यूजर कौन से यूजर हमारे टारगेटेड हैं, उनको कैसा कलर कॉम्बिनेशन, कैसा उनको एलिमेंट स्ट्रक्चर पसंद है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए हमें विजुअल डिजाइन बनाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका डिजाइन अगर ताकतवर, यानी कंटेंट अच्छे है, स्ट्रक्चर अच्छा है, नेविगेशन प्रॉपर हो रहा है, लेआउट है आपका अच्छा, विजुअल डिजाइन अच्छा है, यूजर के हिसाब से डिजाइन हमने बनाया है, तो आपकी वेबसाइट में ऑडियंसेस बहुत तेज बढ़ती है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, डिजाइनिंग में आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड और लास्ट स्टेप है ऑथर स्टेप्स। ऑथर स्टेप्स मतलब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो वेबसाइट है उसको फाइनली जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो लॉन्चिंग स्टेप को ऑथर स्टेप के रूप से भी जानते हैं। तो लॉन्चिंग स्टेप में हमें दो स्टेप को क्या करना है, मिलाना है।
पहले हमें क्या करना है, बिल्ड अ टेस्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहले ऑथर को करना क्या, लॉन्चिंग से पहले हमें ध्यान रखना टेस्ट प्रोटोकॉल हमें बनाना है। देखो टेस्टिंग की भी एक तरीका होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस आपने एक कोई नॉर्मल सा कोई एलिमेंट इनपुट किया, इंसर्ट हो गया, टेस्टिंग हो गई। आप टेस्टिंग को भी प्लान करना, कैसे टेस्टिंग करनी है, क्या टेस्टिंग के एलिमेंट्स हैं, उसको आपको क्या करना होगा, प्लान करना होगा। तो बिल्ड अ टेस्ट प्लान, ये आपका काम है कि टेस्ट प्लान बिल्ड करे और उसको प्रॉपर टेस्ट करे। नंबर दूसरा लिखिएगा चेंज वेयर एरर्स आर फाउंड, चेंज वेयर एरर्स आर फाउंड। अच्छा तुरंत आपको क्या करना है, चेंजेस करने की तैयार रहो, जहां पे दिक्कत आ रही है चेंज क्या कर दो, तुरंत कर दो, नहीं आ रहा वैसा रिजल्ट चेंज कर दो, आपको रिजल्ट में कमियां दिख रही है चेंज कर दो, ठीक है। तो ऑथर प्रोटोटाइप आपको ये कहता है कि टेस्ट प्लान बनाए और चेंज करने के लिए तैयार रहे, प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं चल रहा है चेंज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे प्लान डिजाइन ऑथर तीन स्टेप्स भी मैंने बताया, प्लान स्टेप, डिजाइन स्टेप और ऑथर स्टेप, ऑथर स्टेप को हम टेस्टिंग स्टेप भी कहते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ आप इन स्टेप्स में क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ये आपके लिए विशेष ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है।